गाइस पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि फ्रीलांसर बनने के लिए मेरे पास थी तीन तरह की स्ट्रेटजीज, जिनमें से मैं दो यूज कर चुकी हूँ और सबसे फाइनल और सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी को मैंने अभी तक यूज नहीं किया और इसी स्ट्रेटजीज को मैं इन वीडियो में यूज करूंगा। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दिया हो तो थैंक यू। चलो वीडियो को करते स्टार्ट। गाइज फाइनल स्ट्रेटजी को मैंने बहुत सारे स्टेप फॉलो करके बनाए। अगर मेरे पास व्यूज आता है तो मेरे पास क्लाइंट तो आएगा ही, इस व्यूज के चक्कर में मेरे को बनाना पड़ेगा एक रील्स। पिछले वीडियो में मैंने 3+10 13 आवर्स वेस्ट कर लिया था, पर इस वीडियो में मेरे लिए बचे है सिर्फ 11 घंटा। मैंने रील्स तो क्रिएट कर लिया एंड रील्स को बढ़िया तरीके से एडिट किया, क्योंकि लोगों तक पहुंचने की यही आखिरी उम्मीद है मेरा। अभी इस रील्स को पोस्ट करने की बारी। मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा 3 प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक के स्टोरी पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर। देखते कहां से मेरा क्लाइंट आता है। वीडियो तो हो गया है एडिट तैयार और उसके बाद करना है मुझे अभी अपलोड, और अपलोड के लिए करना क्या पड़ेगा, हैशटैग्स, वायरल हैशटैग्स लगाना पड़ेगा और ऐसे ही फेसबुक स्टोरी पर भी लगाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से ही मेरा व्यूअर्स जो कि है मेरे साथ अटैच हो सकता है मुझे लगता है। अभी 11 घंटा वेट करने के बाद अभी आती है व्यूअर्स देखने की बारी। एक आया है, सिर्फ एक व्यूअर्स, मतलब क्या है भाई ये। गाइस दिन के 11 घंटे गुजारने के बाद मुझे महसूस तो हो गया कि कोई भी बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान नहीं, और घर बैठे बिजनेस करना तो बिल्कुल भी नहीं। एक बिजनेस को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा सोच की जरूरत होती है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। गाइस मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था ये सोच कर कि मेरे पास एक क्लाइंट आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला। अभी के लिए मेरा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो।